हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम आपको सब्ट्रैक्शन के सम्स नंबर लाइन पर करवाएंगे। वैसे आपको आते हैं ना सब्ट्रैक्ट करना, जैसे 11 - 2 इक्वल कितना आएगा। अब हम कैसे सीखेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ 11 11 पर खड़े हैं, किसी भी नंबर, जैसे 0 से पहुँच जाते हैं 11 पर, पहुँच गए, चलो पहुँच जाइए 11 पर, ऐसे पहुंच गए। अब 11 से बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। यहाँ पर फर्स्ट जंप करेंगे, यहाँ आएंगे, फिर सेकंड जंप करेंगे, 9 पर आ जाएंगे। तो फिर हमारे पास क्या बचा, यानी कि 11 में से हमने 2 माइनस कर दिए, तो कितने बच गए, 9। हम 9 पर पहुंच गए, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास 8 है, 8 पर खड़े हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर ये आप पूरा नहीं करना चाहते ना, क्योंकि टेढ़ा हो जाते छोटे बच्चों से। ये मान लीजिए हम 8 पर खड़े हैं, यानी कि हमारे पास 8 है, तो 8 में हमने 4 माइनस करने हैं, तो 4 जंप करेंगे, 8, 1 जंप, सेकेंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, तो हमारे पास कितने हो गए, 4, यानी कि 8 - 4 = 4। अब मैंने 2 सम्स आपको करके दिखा दिए, अब 2 सम्स आप अपने आप करेंगे। जैसे ये 10, यहाँ पर 10 पर आ जाइए, 10 में से 3 जंप करेंगे, यहाँ पर 1 2 3, तो कहाँ पर पहुंचे, 7 पर, यानी कि 7 बच गया, 10 - 3 = 7। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, 12 - 5, 12 पर यहाँ आ जाइए, अब 5 जंप करेंगे, 1 जंप 2 3 4 5, कितने बच गए, 7। तो आपने इस तरह से नंबर लाइन डालनी है अपनी नोटबुक में, मम्मी डाल के देंगी, नंबरिंग लिख कर देंगी, फिर आप जंप करते हुए, मैंने एक पहले बड़ा जंप दिखा दिया, ऐसे करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 11 - 2 बैकवर्ड करना है ना, तो हम माइनस करेंगे, जैसे आपके पास 5 टॉफीज होती हैं, 1 आपने खा ली, तो 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे, 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे, इस तरह से चलता रहेगा। तो बैकवर्ड काउंटिंग, तो यहाँ से जंप करनी है, और प्लस करने के लिए क्या करना होता है, फॉरवर्ड जंपिंग करनी होती है। तो हम नेक्स्ट टाइम आपको एड वाले भी करवाएंगे, अब सब्ट्रैक्शन वाले हैं, तो आपने बैकवर्ड काउंटिंग से चलते जाना है। तो इस तरह जैसे मैंने समझाया है, इसी तरह से ये वर्क आपने अपनी नोटबुक में करना है। इस तरह से करने में मजा भी बहुत आता है। आप अपने आप लंबी लाइन डाल लो, उस पे नंबर लिख लो, फिर माइनस करो। जब आप नोटबुक पे फेयर वर्क करेंगे ना, तो मम्मी लिख कर देंगी, और रफ कॉपी में अपने आप लाइन डालो जैसे मर्जी, और उस पे प्रैक्टिस करो। ओके, बाय।